क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। आप सभी सम्मानित क्रांतिकारी साथियों को आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर की तरफ से सादर और क्रांतिकारी जय भीम अभिवादन। और आप जय भीम अभिवादन करेंगे और स्वीकार करेंगे तो मैं भी आपका जय भीम अभिवादन हृदय से, हृदय की गहराइयों से स्वीकार करता हूँ। देश के नौजवानों, भीम सेना के सिपाहियों, बहुजन समाज के साथियों, आपके रग रग में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का खून है। भीम सैनिकों, आपके रग रग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लहू दौड़ता है। और मुझे मालूम है, भली भांति मालूम है कि जब आपके हक और अधिकार छीने जाएंगे तब आप चुपचाप अपने घरों में नहीं बैठेंगे। आपने हमारी एक आवाज पर संपूर्ण भारत बंद करके, और वो भी शांतिप्रिय तरीके से, ये साबित कर दिया है कि आप कुछ भी हो जाए, यदि संविधान के ऊपर कहीं भी आँच आएगी तो आप टकराने के लिए भी तैयार रहोगे। और इतना ही नहीं, जिस वक्त यह आरक्षण खत्म करने की साजिशें बुनी जा रही थी, एक आपराधिक षड्यंत्र रचा जा रहा था, उस दौरान भी आपकी नजरें यथासंभव बनी हुई थी सरकार पर भी और आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर पर भी। हमने अपना फर्ज निभाया है, फर्ज पूरा किया है, और आपने भी हमारे दिशा निर्देशों की, प्रार्थना की पूरी तरह से पालना की है। आपने साबित कर दिया कि किसी भी रूप में आप भारतीय जनता पार्टी के छोड़े हुए कुछ तथाकथित चमचों के बहकावे में नहीं आएंगे और आप अपने हक अधिकार को छीन कर लेंगे, इतना तय है। हाँ, यह है कि मैं अब आगे की जो रणनीति होगी उसके बारे में समय से आपको अवगत कराऊंगा। इससे पहले मैं कुछ संदेश अपने बहुजन समाज के नाम देना चाहता हूं। यह है कि आरक्षण के ऊपर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है, उस फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार कदापि तैयार नहीं है। मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही है, आपको लगातार मैं ये बात बता रहा हूं और लगातार आपके साथ मुखातिब भी हूं। पीछे भारत बंद को रोकने के अनेकों प्रयास किए गए और हमने स्पष्ट कर दिया था, साफ कर दिया था 21 अगस्त को शाम को 8 बजे कि यदि हमारी बातों को 24 घंटे में सुना नहीं जाता है, हमारी मांगों को नहीं माना जाता, हम 24 घंटे आपको देते हैं, उसके बाद में हम अपना निर्णय लेंगे। 24 घंटे बीत गए, सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना, अब हम 24 घंटे के बाद फिर दोबारा से सरकार से हमने बोला कि 24 घंटे बीत गए हैं, 24 घंटे के बजाय हमने आपको 25 घंटे दे दिए, लेकिन हम आपको 24 घंटे और देते हैं। नतीजन हमने 48 घंटे से ज्यादा समय इस सरकार को दे दिया और अब खामोश बैठना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए साथियों, दिल्ली की हमें तैयारी करनी है और दिल्ली की तैयारी के लिए हम तमाम संगठनों, राजनीतिक दलों और बहुजन समाज के वीर सिपाहियों, भीम सैनिकों, बहुजन समाज के आम लोगों से हम लगातार संपर्क में हैं। हमने पीछे डेट की भी हमने आपसे अपील की थी कि आप हमें बताएं, आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम किस तारीख को राजधानी दिल्ली में इस बड़े महान आंदोलन को करें। तो बहुत सारे लोगों के हमारे पास में रिप्लाई भी आए हैं और अब यह निर्णय बहुजन समाज के सभी सामाजिक संगठनों, संस्थाओं से मिलकर ले लिया गया है कि हम कब लोग इकट्ठा होंगे, और उसके लिए हमने स्पष्ट तौर पर तैयारियां अपने मुकम्मल की हैं। अभी हम आपको बहुत ही जल्दी ये अवगत कराएंगे कि भारत बंद में जिस तरह से आपने अपना ऐतिहासिक परिचय दिया और यादगार भारत बंद रहा, शांतिप्रिय रहा, और इसी तरह से अब हम आपको ये बताएंगे कि आपको किस तारीख को इकट्ठा होना, उसके लिए हम कुछ संगठनों से संपर्क में हैं और बहुत ही जल्दी वो संगठन जो है आपको इस बारे में अवगत करा देंगे कि कब चलना चाहिए, और उसके बाद हम उनका समर्थन करेंगे। हम भीम सेना के लोग, हम भीम सेना के सच्चे सिपाही, और मैं नवाब सतपाल तंवर पूर्ण रूप से समाज के साथ खड़ा नजर आऊंगा
और समाज के साथ खड़ा होकर आवाज को बुलंद करूंगा, आपकी आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। जैसे ये आवाज, ये नवाब सतपाल तंवर की नहीं, आपकी सबकी आवाज रही है, और एक प्रचंड आवाज रही है, एक शेर की दाढ़ रही है जो हमेशा कामयाब होती रहेगी और होती रही भी है। और दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया जो हमें झुका दे, किसी के बाप की औकात नहीं है जो हमें झुका दे। साफ कह रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, प्यार से मान जाओ वरना सोटा भी तैयार है भाई, हम किसी चीज में पीछे नहीं है, ये बात ध्यान रखना मेरी। और हर चीज का इलाज जो है वो हमारे पास है, जो कहता है कि तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, तुम्हारा इलाज हम करेंगे, हम और पक्का करेंगे, पूरा करेंगे, राजधानी दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करेंगे। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो रोक के दिखाना, तुम्हारे बाप की औकात हो तो रोक के दिखाना, पूरी दिल्ली पर चढ़ाई होगी और पूरी प्रमुखता से होगी, एक बड़ा महान आंदोलन शांतिप्रिय संवैधानिक तरीके से किया जाएगा, कानूनों को हाथ में कदापि नहीं लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, यह हमारी संवैधानिक मांग है जो माननी पड़ेगी आपको। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो कि भीमसेना के लिए हैं। पूरे भारत में हर एक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों में भीम सेना कार्यरत है, सबकी जिला टीमें कार्यरत हैं, जिसमें हमारे द्वारा निर्णय लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सुन लीजिएगा, आरक्षण आरक्षण की लड़ाई को, जो आरक्षण के ऊपर हमारा जो अभियान जारी है उसको सफल बनाने के लिए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। भीम सेना की सभी जिला टीमें, अभी पीछे हमने राजस्थान की जिला टीमों को भंग किया था, प्रदेश की भी किया था, तो मैं यथासंभव आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि प्रदेश की टीमें जैसे कि पहले कार्यरत रही थी वैसे ही कार्यरत रहेंगी। राजस्थान प्रदेश की भीम सेना टीम जैसे कि पहले प्रदेश कार्यकारिणी कार्यरत थी वैसे ही कार्यरत रहेगी। राजस्थान प्रदेश के सभी जिलों की भीम सेना जिला कार्यकारिणी और संभाग कार्यकारिणी और सभी पूरी संपूर्ण कार्यकारिणी जारी रहेगी। ये हम अपना आदेश वापस लेते हैं जो हमने उस दौरान पहले किया था कि हमने अपनी टीमों को भंग किया था, लेकिन अभी हम अपना वो आदेश वापस लेते हैं। और ध्यान रखना कि पूरे देश भर में भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष नए सिरे से नियुक्त किए जा रहे हैं, लेकिन सभी प्रदेशों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो भीम सेना की कार्यकारिणी जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या मंडल स्तर पर कार्यरत हैं, काम कर रही हैं, वो यथासंभव वैसे ही काम करती रहेगी, लेकिन प्रदेश की कार्यकारिणी को बदला जाएगा और नए प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश राज्य में नियुक्त किए जाएंगे, प्रदेश के केंद्र शासित सभी प्रदेशों में नियुक्त किए जाएंगे। तैयारी होगी, पूरी तैयारी मुकम्मल तैयारी की आपको जल्दी बताइए, आवाज आने से हिट कर पूरा। तो जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जय भारत।